नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। दोस्तों, और सामने आप एक आम का पेड़ देख रहे हैं, मैंगो ट्री। और आज हम बात करेंगे फ्रूट ट्री की, फल वाले जो पौधे हैं उनकी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पौधे में एक प्रॉब्लम आ गई है, ये फल नहीं दे रहा है। पिछले कई वर्षों से काफ़ी अच्छा आम था ये, तो हम इसका एक ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं और वो ट्रीटमेंट मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान लखनऊ द्वारा ये विकसित विधि है और इसे हम बंद विधि भी कह देते हैं साधारण भाषा में। नॉर्मल रूप से हम क्या करते हैं, ये देखिए आपको इसमें क्या करना है। बहुत सरल विधि है, कोई ख़ास कठिन काम नहीं है। आपका जहाँ पेड़ लगा हुआ है, आम का जो प्लांट लगा हुआ है, उसके लगभग एक से डेढ़ फिट या लगभग अगर ज़्यादा बड़ा पेड़ है तो एक मीटर दूरी पर आप एक ऐसे गड्ढा खोदवाएं। ये जो भाई गड्ढा खोद रहे हैं यहाँ पर, उसकी गहराई आप इतनी रखें कि जो आपकी आम की जड़ें हैं वो कट जानी चाहिए। चारों तरफ ये गड्ढा आपको खोदवा लेना है। आमतौर पे पेड़ों के साथ ये प्रॉब्लम आती रहती है, आम के पेड़ों के साथ वो काफ़ी अच्छी फल देते हैं और बाद में वो फिर ख़राब हो जाते हैं, तो ये एक साधारण परेशानी है। लेकिन काफ़ी ख़राब भी है, क्योंकि लगती साधारण है लेकिन जब हमारे आम के पेड़ पर फल ही नहीं आएंगे तो फिर वो पेड़ किसी काम का नहीं। और इस गड्ढे को जब खुद जाएगा ये पूरा चारों ओर से, तो इस खड्ढे में आपको गोबर खाद डी कम्पोस्ट, बिल्कुल जो अच्छी तरह सड़ गई हो, उस खाद को आपको इससे भर देना है, गोबर से भर देना है, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह ठोंक कर मजबूती से, और उसके बाद इसे बंद कर देना है। तो मैं आपको बताऊं इसका जो सही समय है ये विधि करने का, वो अभी है दिसंबर जनवरी, बौर आने से पहले जो फ्लावर आते हैं आम पर वो आने से पहले, तो ये बिल्कुल सही समय चल रहा है, लास्ट दिसंबर है। और इसके बाद आम पर फ्लावरिंग यहाँ उत्तर भारत में शुरू हो जाएगी। अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि फ्लावर आने से दो महीने पहले आपको ये काम कर लेना है। तो चलिए ये गड्ढा खुद जाए, उसके बाद हम इसमें गोबर लगाएंगे, और गोबर दबाने के बाद हम इसे पुनः मिट्टी से ऊपर से दाब देंगे, और फिर ये दवा रहेगा अपने हमेशा के लिए। और फिर आप जब इसका जो फ्रूट टाइम आएगा अप्रैल मई, उस तरफ आप देखिएगा कि इस पर बहुत अच्छे फल आएंगे, और मैं वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो खड्डा है वो बिल्कुल खुद का तैयार है, आप पास से देख सकते हैं। मैंने चारों तरफ इसे लगभग दो फीट की दूरी पर खुदवा दिया है यहाँ पर, और ये अब अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगला स्टेप है कि हम इसमें अपना गोबर या गोबर खाद डालेंगे। ताज़ा गोबर नहीं डालना है आपको, लगभग चार से पाँच महीने पुराना गोबर आप इसमें यूज करें। तो अब हम इसमें गोबर डलवाते हैं। आपके जो प्लांट हैं फ्रूट वाले, आम या फिर कटहल, दोनों की आप इस प्रकार से जो है देखभाल कर सकते हैं। अगर आपके कटहल लगना बंद हो गए हैं या फिर आम नहीं लग रहा है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है उन पर, तो आप ये तरीका आजमाएं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कंपोस्ट की तरह काला गोबर है। ऐसे लगभग 6 इंच की मोटाई में हमें भर देना है इस पूरे गड्ढे में।
और ये एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल यूज पहले कई बार की जा चुकी है और इसका रिजल्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक अपडेट वीडियो डालूंगा। अभी हमें इस गड्ढे को पूरा भरना होगा और भरते समय थोड़ा ये ध्यान रखें कि गोबर में आपकी प्लास्टिक की पॉलीथीन या पन्नी नहीं होनी चाहिए। जो कचरा है उसे निकाल दें, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है, टिन है या कुछ और। गोबर बिल्कुल अच्छा यूज करें। तो दोस्तों जैसे ये गोबर हम डाल रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको इसे अपने पैरों से ऐसे आपको इसे अच्छी तरह से दबा देना है, ये देखिए, जिससे इसकी जो पोल है वो ख़त्म हो जाए। ये आप साथ साथ करते रहें, गोबर जैसे डाल रहे हैं खड्डे में उसी प्रकार से। तो दोस्तों उधर जैसे अभी वो गोबर डल रहा है तो हम आपको आम के बारे में कुछ और बता दें। तो ये भी एक चौसा आम है, काफ़ी बड़ा हाइब्रिड है और इस पर कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये कट लगा हुआ है, लेकिन आपको मैं कुछ दिखाऊँ। ये देखिए इसकी कुछ ब्रांच आपको सूखी दिख रही हैं और ये एक इल्ली के कारण होता है, एक कीड़ा होता है काले रंग का जिसका सिर होता है और उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मैंने कुछ सूखी ब्रांच यहाँ से तोड़ दी हैं। तो इसकी रोकथाम हम नेचुरल तरीके से करेंगे। आप देख पा रहे हो ये कुछ ब्रांच जो है सूख रही हैं और ये वही इल्ली है। और इसका उपचार जो है, आपने देखा होगा कि पौधों की जो तना होता है वो सफ़ेद रंग से पेंट किए हुए आपने सड़क किनारे कई पेड़ देखे होंगे, तो उसका यही कारण है कि वो पेड़ों को बचाने के लिए, ये देखिए ये चूना है, कलई जिसे बोलते हैं आम भाषा में। तो इस चूने को आप भिगो लीजिए पानी में करीब 12 से 15 घंटे। बिल्कुल ये देखिए मैंने भिगोया हुआ है, घोल लीजिए, आप पेस्ट बना लीजिए और इसकी गर्मी सभी निकल जानी चाहिए चूने की, और उसके बाद आपको इसे यूज़ करना है। तो वो यूज़ करना भी हम आपको भी बताएंगे। इसी बीच हमारा ये खड्डा लगभग पूरा भर गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे दबा देंगे, इस गोबर को अच्छी तरीके से, जो इस गड्ढे में है बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। कुछ ऐसे आप इसे दबा दीजिए अच्छी तरीके से, जिससे ये जो गोबर है आपके खड्डे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ जाए। और ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, जो ये मिट्टी है इसे अब बिल्कुल मिट्टी से ढक देना है, इसे कवर कर देना है। ये देखिए हम जो मिट्टी हमने खोदी थी उसी मिट्टी से इस गोबर का जो खड्डा बनाया था हमने, गोबर जो भरा था वो हम कवर किए देते हैं उसे। और ये हमारी जो विधि है ये अब लगभग पूर्ण होने की तैयारी में है और फरवरी के बाद जब मार्च में इस पर फ्लावर आएंगे, बौर आना जिसे हम कहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया आपकी बार फल देगा और मैं अपडेट वीडियो जल्दी आपके लिए डालूँगा। वो अब हमें क्या करना है कि जो हमने गोबर दबाया है उस खड्डे को मिट्टी से थोड़ा ऊंचा दबाना है, मिट्टी उस पर थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब हम इसमें पानी देंगे कुछ दिन बाद तो फिर गोबर वाला जो स्थान है वो बैठेगा, तो फिर मिट्टी नीची हो जाएगी। तो हमें जो नॉर्मल सरफेस है मिट्टी का, उससे जो गड्ढे वाली जगह है उस पर मिट्टी थोड़ी ज़्यादा डालनी है। आप देख पा रहे हैं थोड़ी मिट्टी ज़्यादा डल रही है और इस मिट्टी को भी हमें थोड़ा सा दबा देना है,
पैरों से। आम तौर पर आम के जो बाग हैं वो वहाँ ज़्यादा सक्सेस हैं जहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है अच्छी हो, पानी ऊपर हो सरफेस के। तो यहाँ हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा नीचे है, फिर भी मैंने कुछ 3-4 आम के पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये पेड़ पिछले 2 वर्ष से कुछ खास फल नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा इसका उपचार भी आपके लिए कर दिया जाए। तो दोनों काम हो गए आपके लिए, यहाँ वीडियो भी एक बन रहा है और हमारा ये आम भी सही हो जाएगा। तो अब हम इसके चारों ओर एक मिट्टी की बाउंड्री बना देंगे और उसके बाद हमें इस जो आम का हमारा प्लांट है उसकी बाउंड्री बना देनी है पानी के लिए। ये देखिए, और बाउंड्री आप लगभग 6 से 7 इंच ऊंची बनाएं। अब जो हमने ये जो अपना गोबर दबाया है, लगभग हमें 72 घंटे हमें इस प्लांट को और इस गोबर को ऐसे छोड़ देना है। 3 से 4 दिन बाद हमें इसमें हल्की वाटरिंग करनी है, लगभग 2 से 1 इंच पानी भर दीजिए आप इसमें और फिर इसे छोड़ दीजिए 1 सप्ताह के लिए। और उसके बाद फिर हम इसे फुल भर देंगे, जिससे जो गोबर की जो एनर्जी है या खाद की जो क्षमता है वो हमारा प्लांट धीमे धीमे ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो यही इसका तरीका है और ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी ट्रीटमेंट जो प्लांट फल नहीं देते उनके लिए, लेकिन अभी जो सूखने वाला रोग था उसके लिए मैं जो चूना का प्रयोग बता रहा था वो इसी हम प्लांट पर करके आपको बताएंगे। तो आपको चूना तैयार हमने करना बता दिया, ज़मीन से लगभग 6 इंच ऊपर से आपको इसे चूने से पेंट कर देना है, लगभग 2 से 3 फिट। मैं आपको अभी वो करके बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसे आपको अपने प्लांट को ऊपर तक पेंट कर देना चूने से। तो जो इल्लियाँ होती वो फिर प्लांट के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगी, ये नीचे से ही चढ़ती हैं और इसका यही बुनियादी सिद्धांत है। इसके अलावा चींटियाँ हैं जो फ्लावर को ख़राब करती हैं, चींटे हैं या कवक हैं कुछ। तो ये बेसिक तरीका, एक घरेलू उपाय है प्लांट को बचाने का और ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके जितने भी फलदार पौधे हैं, वो चाहे आम हो, कटहल हो, नींबू हो, जो हार्डवुड वाले प्लांट हैं जिनकी मजबूत छाल होती है, उन प्लांट पर आप इसे अप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखें चूने जल्दी ना यूज करें, उसे 12 से 15 या फिर एक दिन ही मान लीजिए आप, 24 घंटे उसे पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद ही प्लांट पर इसे अप्लाई करें। मात्रा अच्छी होनी चाहिए चूने की पानी में, ऐसा नहीं है केवल पानी में मिलाया और आपने उसे पेंट कर दिया, चूना उसमें होना भी चाहिए। और मिनिमम आप से 2 फिट की ऊंचाई में पोतें, कम से कम 2 फिट आपका प्लांट पेंट हो जाना चाहिए इससे। तो ये अच्छा काम करता है दोस्तों। तो आज हमने आपको बताया कि ऐसा प्लांट जो फल नहीं दे रहा है या फल जिसके कम हो गए हैं उसे हम कैसे ठीक करें, आम का, मैंगो का। तो उसके लिए हमने गोबर विधि आपको बताई और इसके अलावा चूना की जो साधारण विधि है हमने आपको बताई कि अगर इल्ली लग रही है, आपकी ब्रांच सूख रही है, तो आप उसे ऐसे चूने से पेंट कर दीजिए, तो फिर आपका जो प्लांट है वो सूखेगा नहीं। और मैं मार्च और अप्रैल में फिर इसकी एक वीडियो अपलोड करूँगा और उस पर हम आपको बताएंगे कि इस पर कैसे फल आएँ। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।